अगली खबर आ रही है ग्वालियर से, जहां एक ठग ने सेना का ऑफिसर बनकर 50 प्लेट बिरयानी ऑर्डर बुक किया, फिर एडवांस पेमेंट भेजने के नाम पर लिंक भेजी। लिंक भेजने के बाद मोबाइल पर आया ओटीपी, पूछा और खाते से 12,000 रुपए ठग लिए। घटना के बाद से बिरयानी सेंटर चलाने वाला लगातार उस नंबर पर कॉल कर रहा है जिससे ऑर्डर बुक किए गए थे, लेकिन कथित सेना का ऑफिसर फोन रिसीव ही नहीं कर रहा। घटना डबरा की दर्शन कॉलोनी में 26 दिसंबर की है। पीड़ित ने क्राइम ब्रांच पहुंचकर मामले की शिकायत की है। पुलिस ने ऑर्डर बुक किए जाने वाले मोबाइल नंबर से पड़ताल शुरू कर दी है। ग्वालियर के डबरा स्थित दर्शन कॉलोनी निवासी संजय कुमार साहू ने करीब 15 दिन पहले बिरयानी का व्यवसाय शुरू किया था। संजय ने डबरा की चिनोर रोड पर यह बिजनेस शुरू किया था। दुकान अच्छी चल सके इसके लिए उसने प्रचार प्रसार करते हुए जगह जगह पोस्टर भी चस्पा कर दिए। पोस्टर में उसने अपने मोबाइल नंबर के साथ घर बैठे ऑनलाइन डिलीवरी का ऑफर भी दिया। इसी बीच 26 दिसंबर को उसके मोबाइल पर कॉल आया। कॉल करने वाले ने अपना नाम संजय कुमार बताते हुए कहा कि वह सेना में ऑफिसर है, उनकी टीम को 25 प्लेट सुबह और 25 प्लेट बिरयानी शाम को चाहिए, करीब 10 दिनों तक सुबह और शाम बिरयानी चाहिए। इस पर बिरयानी सेंटर के संचालक ने डील पक्की कर दी। सेना के ऑफिसर ने ऑर्डर बुक करने के बाद 1,000 रुपए बतौर एडवांस देने के लिए लिंक भेजी। इस दौरान कथित सेना के ऑफिसर ने संजय को डील के लिए 1,000 रुपए फोन पे के जरिए एडवांस भेजने की बात कही। फोन पे नंबर पर 1,000 रुपए ट्रांसफर किए, लेकिन कथित आर्मी ऑफिसर ने बताया कि तकनीकी दिक्कत के चलते उससे रुपए ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। फिर संजय को एक ओटीपी भेजकर उसे क्लिक करने को कहा। संजय ने ओटीपी नंबर बताया तो थोड़ी देर बाद उसके फोन पे अकाउंट से अटैच बैंक ऑफ इंडिया के खाते से 12,000 रुपए कट गए। ठगी का शिकार होते ही संजय ने कथित आर्मी ऑफिसर के मोबाइल पर कई बार कॉल किया। पहले तो कॉल लगा लेकिन सामने वाले ने रिसीव नहीं किया। इसके बाद अब उसने फोन बंद कर लिया है। अब पीड़ित ने मामले की शिकायत क्राइम ब्रांच में की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में एएसपी क्राइम राजेश दंडौतिया का कहना है कि मामले की शिकायत आई है, मामले को जांच में ले लिया गया है। ठगी करने वाले के फोन नंबर से उसका पता लगाया जा रहा है। संजय साहू, विनती ये थी कि मेरे पैसे कट गए हैं 12,000 रुपए फोन पे से। हो गया है, फ्रॉड वालों ने मुझे आर्मी चेक के नाम से क्यूआर कोड भेजा। वो जो बोल रहे थे कि मैं हमको आपको पैसा भेज रहे हैं, तो वो मतलब मैंने उसको फोन पे की स्कैन उसको स्कैन कर लिया, उसके बाद मेरे पैसे कट गए 1,000 रुपए चेक करते चले गए। वो बिरयानी के लिए बोल रहे थे कि हमें बिरयानी चाहिए 25-25 प्लेट 10 दिन के लिए सुबह से शाम दोनों टाइम। एक गाड़ी आएगी वो ले जाएगी। ठीक है भैया, फरियादी है जिसके द्वारा 10 दिन पहले एक अपना ठेला लगाया है बिरयानी का, उसने अपना मोबाइल नंबर सभी जगह डिस्प्ले कर दिया। तभी उसके पास एक कॉल आया कि हम आर्मी से बोल रहे हैं और हमें एक महीने के लिए लगातार सुबह 25 प्लेट बिरयानी चाहिए पर डे, और एक दिन का पेमेंट उसने पूछा तो बताया गया 1,000 रुपये होगा। तो उन्होंने बोला हम क्यूआर कोड भेज रहे हैं जिसमें आर्मी के नाम से आया वो क्यूआर कोड, और जब उसको बोला गया कि आप इसे स्कैन कर लीजिए, जब स्कैन किया गया तो उसे 1,000 रुपये कट गए।